राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी ने देश बेच दिया है, अडानी अंबानी के सारे पे चल रही सरकार। राहुल गांधी जी की बात ना करो, क्या कहते हैं उसको राहुल गांधी जी को, पप्पू पप्पू जी की बात ना करो हमसे बाबू जी। अरे भैया मोदी जी हमारे लिए भगवान राम है, ये समझो। योगी और मोदी आने चाहिए, योगी और मोदी, बस कहने का मतलब ये है भाई। अरे भैया मोदी जी जब तक रहेंगे तभी तक हम इंडिया में रहेंगे, नहीं तो हम इंडिया ही छोड़ देंगे। राहुल तो चोर आदमी है, इटली से भागे हुए आदमी है, बार बाला थी उसकी माँ, वहाँ डांसर थी, जाके इतिहास निकालो इनका, इनका कड़वी बात बता रहा हूँ तुम्हें, मैं कड़वी बात बता रहा हूँ, ये उसकी माँ बार बाला थी, वहाँ पे डांसर थी, वहाँ पे निकालो जरा, बार में वो सर्व करती थी, कहाँ से बन गई दुनिया की चौथे की सबसे अमीर आदमी, क्या धंधा है उसका बताना जरा। जो उन्होंने बोला था ना अपने मैनिफेस्टो में, धारा 370 हटा दी, राम मंदिर बनने वाला है, और जो धीरे धीरे वो सारे हो रहे हैं ना, तीन तलाक ट्रिपल, अपने वादों में केजरीवाल ने तो अपने बच्चों की कसम खा के पलट गया था, ना किसी से लूंगा समर्थन ना किसी को दूंगा, ऐसे आदमी को तो हम क्या बोलें जो अपने बच्चों की कसम खा रहा है, उस पर तुम मुझसे चर्चा का विषय। अरे ऐसे आदमी को तो चर्चा ही नहीं करनी चाहिए, आँख बंद करके फूल पर वोट डाल दो। कौन सा युवा है वो, जाके फॉरन में जाते हैं, थाईलैंड में थाई की मसाज कराते हैं, कैसी कैसी बातें करते हैं वो, किसकी यार कैसी बातें करते हैं वो, सिर्फ कहने की बातें हैं। ये बहुत महंगाई होगी बीजेपी के आने से, महंगाई नहीं है, पहले सैलरी मेरी 350 रुपए की थी जब मैं पालिका भवन पालिका बाजार में नीचे बेसमेंट में काम करता था, वो 350 में घुसता, आज बंदे की सैलरी वो 350 से 25,000 20,000 15,000 हो गई, तो सैलरी का रेशो देखो ना क्या बड़ा है, सिर्फ महंगाई महंगाई चिल्लाने से थोड़ी बात बनती है, महंगाई हो गई। अभी 5 करोड़ की गाड़ी होगी ना सबसे ज़्यादा भारत में बिकती है, बोल मत देना इस बात को, आप कोई सा नया फ़ोन का वर्जन ले आओ, ऑनलाइन शॉपिंग 5,000 करोड़ की हो गई, कहाँ से हो गई, वो पैसा है भारत में तभी तो हो रही है ना। कह रहे हैं कि भाजपा ने देश बेच दिया, रेल बेच दी, लाल किला बेच दिया, अच्छा रोजगार नहीं है युवाओं के पास। अच्छा लाल किला बेच दिया, वो लीज पे दिया, तुमने क्या किया था, तुमने क्या किया था, वो जो भारत का सोना पड़ा था सन 2013 में जो बेच दिया था, वो क्या हो गया था, गिरवी रखने की नौबत आ गई थी, मोदी ने तो, मोदी ने तो उसको प्लस कर दिया, मोदी ने तो सोने को प्लस किया, अभी खरीदा है ना, कितने टन खरीदा है पता होगा आपको, न्यूज़ तो देखते रहते होंगे, मैं तो कम ही देखता हूँ भाई, मेरे घर में तो टीवी भी नहीं है, इतना गरीब आदमी हूँ, इससे ज़्यादा और क्या बताऊँ, ये सच बात बता रहा हूँ, मेरे घर में टीवी भी नहीं है फिर भी अपने मोबाइल से न्यूज़ देखता रहता हूँ और लेटेस्ट अपडेट रखता हूँ अपने आपको, समझ रहे हो ना, अब इससे ज़्यादा क्या इन बाबू जी। क्या नाम सर? अनिल। क्या कहेंगे 2024 को लेकर, कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? अरे इसमें पूछने की कोई बात है, नरेंद्र मोदी जी और कौन होना चाहिए? क्यों? अरे भाई साहब हम हिंदुस्तान में एक बात समझो कि आज हमारी जो पोजीशन बना दी मोदी जी ने, आप देखो दुनिया में आज हम कितनी इज्जत पा रहे हैं भाऊ जी, आज हर बंदा समृद्ध है, ना कोई खा रहा है ना कोई खाने दे रहा है, समझो करप्शन खत्म कर दी उन्होंने हर तरह से, देखो आज कितनी रौनक है, कोई बम फट रहे हैं कांग्रेस के राज में, कितने बम फट रहे थे, फट रहे बम, कितने लोग आजादी से, कितने लोग आजादी से घूम रहे हैं आप देखो। अरे भैया मोदी जी हमारे लिए भगवान राम है, ये समझो। योगी और मोदी आने चाहिए, योगी और मोदी, बस कहने का मतलब ये है भाई। अरे भैया मोदी जी जब तक रहेंगे तभी तक हम इंडिया में रहेंगे, नहीं तो हम इंडिया ही छोड़ देंगे, सही बताया। ऐसा क्या है मोदी के अंदर कि मोदी ही तीसरी बार प्रधानमंत्री और कोई नहीं? साहब जो इंसान ना एक पैसा खाता है ना खाने देता है, अभी वो ये लोग जाते थे फॉरेन घूमने के लिए और वो रात को सफर करते हैं, दिन भर काम करते हैं 24 घंटे, समझे नहीं, उनके साथ तो काम करना भी हिम्मत का काम है, ना वो खाते हैं ना खाने देते हैं, और 100% पैसा जो है आज आप देखो कोई भी इनका जो भी प्रोजेक्ट आता है वो बिफोर खत्म होता है, समझ रहे हो आप। राहुल गांधी कहते हैं कि मोदी ने देश बेच दिया है, अडानी अंबानी के सारे पे चल रही सरकार। राहुल गांधी जी की बात ना करो, क्या कहते हैं उसको राहुल गांधी जी को, पप्पू पप्पू जी की बात ना करो हमसे बाबू जी, हमें वो कांग्रेसियों ने जो 70 साल में देश का हाल किया है वो आपको आपको कांग्रेस ने जो भी किया आप 70 साल बीजेपी का देख लो, डिसाइड योरसेल्फ, 70 साल तो छोड़ो, अगले 10 साल के बाद हमारा देश कहाँ पहुँच जाएगा आप खुद देखना, हमें क्या बताना है, वो तो प्रैक्टिकली नजर आ रहा है, कोई भी प्रोजेक्ट चालू होता है बिफोर खत्म होता है भाई साहब। आज देखो बॉम्बे टू दिल्ली रोड बन रही है, 12 घंटे में आप दिल्ली पहुँच जाओगे, आप हर चीज देखो ना, अब नजर आता है काम किया हुआ। अरे मोदी जी भगवान राम है बाबू जी हमारे लिए, थैंक यू। सवाल ये केजरीवाल के बारे में क्या कहेंगे, वो दिल्ली से निकल चुके हैं गुजरात। अरे बाबू जी केजरीवाल पहले जब आया था बोलता था ना मेरे को कोई गाड़ी चाहिए, ना मेरा कोई बंदा गाड़ी में घूमेगा, ना कोई मेरा बंगले में रहेगा, ना मैं एडवर्टाइजमेंट करूंगा, आज एडवर्टाइजमेंट देखो उसकी दिल्ली में कितनी हो रही है, और वो मोदी जी के लिए दोबारा अगर पंजाब में दोबारा इलेक्शन कराते तो पंजाबी पब्लिक कहती है कि उपचुनाव होते तो दोबारा नहीं आएगा। क्यों
फ्री का ऐलान, फ्री दे रहे कर्जा माफ किसानों का, फ्री दिल्ली में भी दे रखा है, दिल्ली की पब्लिक कितनी खुश है उससे। फ्री खिलाएंगे, फ्री की बात कर, फ्री में दारू एक के साथ एक दारू भी दी महिलाओं को, DTC बस यात्रा, पानी बिजली सब कुछ फ्री दे तो रहे। बहुत ही फ्री कहाँ से देंगे, हम लोग कपड़े का काम करते हैं, व्यापारी आदमी टैक्स देते हैं, टैक्स देने का मतलब ये थोड़ी कि ये बांट दे लोगों को फ्री में, मेहनत करके कमाए, कुल मिला करके देखिए हमारे देश में अगर सब कुछ फ्री हो जाएगा तो उसकी भरपाई कहाँ से होगी, वो हमारे देश के आम जनमानस के ऊपर ही पड़ेगा इसका बोझ, न कि कहीं और से आएगा। नोट छापने से कुछ नहीं होता है, हमारे कह रहे हैं कि जनता का पैसा जनता को वापस दे रहे हैं, जनता के टैक्स है वो वापस कर रहे हैं। जनता का पैसा जनता में कैसे लगाया जाता है, उनको रोजगार देंगे, उनको कोई सुविधा देंगे और जो है सार्वजनिक जो है कार्यों में लगाएंगे, वही जो है जनता को वापसी है, न कि फ्री में बांटने की बात है। केजरीवाल इतने बुरे नहीं है, काम कर रहे हैं वो, लेकिन फिर भी वो मोदी जी के मुकाबले में बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। केजरीवाल अच्छे इंसान हैं, लेकिन अगर वो मोदी जी से मुकाबला करना चाहे, राम से मुकाबला करना है, वो गलत है भाजी। लेकिन ये लोग तो गठबंधन कर रहे हैं, 24 में नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, ये सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। चोर चोर मुसेरे भाई, बस थैंक यू। ऐसा है देखिए, नेता एक ही होता है जो पूरे देश का नेतृत्व करता है, और 10 लोग मिल करके अगर नेतृत्व करेंगे तो उसको भ्रष्ट करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं, वो देश को कभी आगे नहीं बढ़ाएंगे। अकेले अपने दम पर नेतृत्व करिए और भारत को आगे बढ़ाइए। जी, नीतीश कुमार के बारे में क्या कहेंगे, वो भी दावा ठोक रहे हैं, PM की रेस में है वो भी। सर PM तो पता नहीं, मैं भी सपना देख रहा था एक बार जब छोटा था, 55 का हो गया, 55 पे आ गया हूँ, PM तो क्या कुछ भी नहीं बना, एक क्लर्क भी नहीं बना, तो उसको भी सोचने दो, उसका भी राइट है यार, उसका फंडामेंटल राइट है, उसमें तुम क्यों आरोप लगाते हो। बाकी ये है कि जो एक दूसरे को गाली निकालते थे ना 24 पार्टियाँ, मोदी का भाई इतने ना 24 इकट्ठे हो गए हैं, समझ रहे हो, इतना भाई सता रहा है, रात को सपने में भी इनके मोदी मोदी आता होगा, ये खुद भी मोदी मोदी चिल्लाएं, मगर क्या करें, क्योंकि पार्टी अपने लिए है ना, वोट अपने लिए लेना है। ये सारे चोर है ना इकट्ठे हो गए, सारे के सारे, जो एक दूसरे को गालू देता था, लालू देता था यादव को, यादव देता था लालू को, रिश्तेदारी हुई, गठबंधन किया, अभी ऐसे ही गठबंधन कर रहे हैं, कांग्रेस देती थी उसको और उसको देती थी, अब क्या सारे एक साथ हो गए हैं कि मिलकर हरा लो भैया इसको, तब पर भी नहीं हरा पा रहे हैं, अब इससे ज़्यादा और क्या करेंगे। ये कह रहे हैं कि मोदी ही चाहिए, मोदी ही चाहिए, ऐसा क्या एक काम बता दो जो अच्छा किया, क्या काम किया, ऐसा क्या नहीं किया जो मैं बता दूं। पहले तो पूरी दुनिया के अंदर भारत का जो नाम हुआ है ना, मेरी मौसी इंग्लैंड में रहती है साउथ हॉल में, मैं जगह का नाम भी इसीलिए बता रहा हूँ, मेरा दोस्त रहता है जर्मनी में डॉसेलडॉर्फ में, मैं नाम इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप सर्च कर लेना, वो बोलते हैं कि जो हमारे देश का जब नाम होता है ना, अब हमें गर्व महसूस होता है, ये वहाँ के लोग बैठे बता रहे हैं। कनाडा में मेरी मौसी की लड़की रहती है, ठीक है ना, वो कहती है अब हमारे भारत का नाम लिया जाता, पहले हमारा साला वीज़ा चेक किया जाता था, वीज़ा नहीं मिलता था, अब जो है ना, अब जो सुविधाएं हो रही है ना। और क्या पूछना चाह रहे हैं, सौर ऊर्जा में अभी देखा ना, सोलर ऊर्जा में भारत टॉप में जाने वाला, चीनी में ब्राज़ील को छोड़ दिया पीछे, पहले वो 17 मिले हैं एक चोर शरद पवार, 17 मिले हैं चीनी की, जब चाहता है चीनी का रेट ऊपर नीचे कर देता, आप क्या जानते हैं कि विदेशों में नाम कर दिए, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं कि PM तो बाहर ही घूमने जाते हैं बस और कुछ नहीं जा रहे हैं। तो आप देखो ना, आप पीछे से क्या क्या हो रहा है, इसराइल हमें कौन सी टेक्निक दे रहा है बॉर्डर की फेंसिंग के लिए, ड्रोन के लिए आ रही ना वो टेक्नोलॉजी, पहले क्या था कोई भी बांग्लादेशी 500 रुपये दिया सब इंस्पेक्टर को, इधर को घुस गया, क्या जानते हो आप, DSF में भी जब जाओगे तब पता चलेगा, ये राहुल तो चोर आदमी है, इटली से भागे हुए आदमी है, बार बाला थी उसकी माँ, वहाँ डांसर थी, जाके इतिहास निकालो इनका, इनका कड़वी बात बता रहा हूँ तुम्हें, मैं कड़वी बात बता रहा हूँ, ये उसकी माँ बार बाला थी, वहाँ पे डांसर थी, वहाँ पे निकालो जरा, बार में वो सर्व करती थी, कहाँ से बन गई दुनिया की चौथे की सबसे अमीर आदमी, क्या धंधा है उसका बताना जरा, दुनिया की टॉप की फोर्थ औरत है वो। अडानी को तो देखो अभी वो कांग्रेस की सरकार का ही ना मिल रहा है ना गले, क्यों मिल रहा है, मामा का लड़का तेरे, तुम तो अडानी पे आरोप लगाते हो कि मोदी ने सब कुछ बेच दिया अडानी को अंबानी को, तो अडानी से तुम काहे गले मिल रहे हो फिर, अगर मैं इस बंदे को गाली दूंगा फिर मैं इससे मिलूंगा क्यों, समझाइए ना, इस व्यक्ति को मैं गाली भी दूँ और इसके गले मिलूँ, अडानी को तुम गाली भी दो, अडानी को तुम राजस्थान में बुला के कॉन्फ्रेंस भी करो और मीटिंग भी करो, सर हमारे यहाँ की जमीन खरीदो, हमारे यहाँ प्रोजेक्ट लगाओ, हमारे यहाँ रोजगार दो, कह रहे हैं ना अडानी अंबानी के सारे चल रही सरकार, तो चलने दो ना, अगर देश में विकास अगर अडानी भी कर रहा है तो मैं कह रहा हूँ बुराई कहाँ इसमें, मुझे बता दो, अगर आपसे देश क्यों बेच रहे हैं, वो कह रहे हैं देश बेच दिया, देश कहाँ बेच दिया यार, हम तो यहीं हैं, हमें कहाँ बेच दिया, कहाँ लाल किला बेच दिया, वो तो उन्होंने रख रखाव के लिए दिया, क्योंकि सरकारी आदमी काम ही नहीं करते, सरकारी जो ये सारा है ना तंत्र, ये बंद हो जाना चाहिए,
सारे प्राइवेट के हाथ में जाना चाहिए, मैं खुद बोलता हूँ। सरकारी आदमी आप एक ड्राफ्ट बनाने चले जाओ, बैंक वाला बोलता है 2 बजे के बाद आना। सरकारी नौकरियां ही नहीं देंगे तो काम कहाँ से होगा? अच्छा काम वो क्या हो रहा है, प्राइवेट तो हो रहा है ना, ICICI बैंक का प्राइवेट है, नौकरी कौन कर रहा है? हिंदुस्तान का आदमी कर रहा है, कोई अंग्रेज तो आके नहीं कर रहा। HDFC में अंग्रेज तो आके कर नहीं रहा भारत में, बताओ तो सही, कोई ब्राजील का आदमी बैठा क्या? सारे ऐसे लोग मेरे तुम्हारे जैसे ही तो है, तुम्हारे बच्चे हमारे बच्चे जो इंग्लिश जानते हैं उसमें। मोदी ने नौकरियों का वादा किया था, वो नौकरियां कहाँ कितनी दे पाए? कुछ दी, वो कह रहे हैं युवाओं को नौकरियां नहीं है। जो उन्होंने बोला था ना अपने मैनिफेस्टो में, धारा 370 हटा दी, राम मंदिर बनने वाला है, और जो धीरे धीरे वो सारे हो रहे हैं ना, तीन तलाक ट्रिपल, अपने वादों में। केजरीवाल ने तो अपने बच्चों की कसम खा के पलट गया था, ना किसी से लूंगा समर्थन ना किसी को दूंगा। ऐसे आदमी को तो हम क्या बोलें जो अपने बच्चों की कसम खा रहा है, उस पर तुम मुझसे चर्चा का विषय? अरे ऐसे आदमी को तो चर्चा ही नहीं करनी चाहिए, आँख बंद करके फूल पे वोट डाल दो। नहीं तो राहुल गांधी है, राहुल गांधी आने चाहिए। राहुल गांधी युवा, व्हाट इज द एज ऑफ राहुल गांधी? यू नो दैट ही इज ओल्डर मोर देन मी, आई एम 50 ईयर्स ओल्ड, ही इज ओल्डर देन मी, सो यू टेल दैट ही इज ए युवा? आप कैसे कह सकते हैं कि वो युवा? युवा मींस बिलो 40। कहते हैं ना कि मैं हम युवा हैं, अपने आप को बोलते हैं। सर दुनिया में हर एक आदमी अपने आप को द बेस्ट आदमी समझता है ना? अगर नहीं समझे तो वो एक्ट करेगा ही नहीं। तो उसी तरह से राजीव गांधी भी हैं, अपने मन से हर कोई समझता है कि मैं सबसे बेस्ट हूँ। इवन नाली में जो पड़ा हुआ है दारू पी के ना, वो भी समझता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, तभी वो पी के पड़ा हुआ है। कौन होना चाहिए ऐसा, कौन है आपकी नज़र में जो? अच्छा स्पेसिफिक मैं नहीं हूँ, बट कुछ बदलाव हो। नीतीश कुमार बन सक? नहीं नहीं, सवाल ही नहीं है। तो कह रहे हैं दावत भी ठोक रहे हैं। नहीं मैं उनका फेवरेट हूँ, बिहार में उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन एक उम्र है ना, मैं युवा बोल रहा हूँ एक तरफ, आप कह रहे हो नीतीश। युवा कौन होना चाहिए, कौन है ऐसा युवा? तो मैं नहीं, मेरे को नहीं पता है कि अभी कौन है, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स में ज़्यादा रुचि रखता नहीं हूँ, सो इसलिए मेरे को नहीं पता है कि युवा नेता कौन है। मोदी जी का काम कैसा लगा? मोदी जी का काम कैसा कर रहे हैं? उनमें हिम्मत है, वो गट्स है कि वो डिसीजन लेते हैं। लेकिन 24 में आप बदलाव चाहते हैं? 24 में बदलाव चाहते हैं। आपका क्या? युवा नेता भाजपा से भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाजपा से हट गए, बट युवा नेता आना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। क्या नाम? जी मनोज कुमार नाम है। क्या सोचते हैं कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? मेरे हिसाब से मोदी इज द बेस्ट। मोदी और कोई विकल्प क्यों? क्योंकि मोदी जिस तरीके से काम करता है, मुझे नहीं लगता विपक्ष उस तरीके से काम कर पाएंगे। और जो आप युवा बोल रहे हैं, मुझे नहीं लगता जो 57 के हो गए उसको आप युवा बोल सकते हैं। अगर वो युवा हो तो गांधी बोलते हैं कि युवा हैं। नहीं मुझे नहीं लगता, आप खुद बताइए कि 57 हो गए उनकी उम्र, आप किस तरीके से उनको युवा के तौर पर देख रहे हैं? आपको लगता है वो युवा है? और वो जो अभी भारत जोड़ो के आंदोलन चला रखे हैं, वो किस तरीके के आंदोलन चला रखे हैं? भारत तो पहले से जुड़ा हुआ है, किसको जोड़ रहे हैं वो? तो फिर कौन सा जोड़ रहे हैं? वही मैं बोल रहा हूँ, ये तो भारत तोड़ो का आंदोलन है, ये भारत तोड़ने की है। जो ये हिंदू मुस्लिम करके जो देश को भटका रहे हैं ना, ये जो पहले 70 साल से यही तो करते आए हैं, हिंदू मुस्लिम करके देश को गुमराह करके ये राजनीति करते आए हैं। लेकिन अभी भाजपा करती है हिंदू मुस्लिम? नहीं नहीं नहीं, भाजपा तो सबको साथ सबके विकास लेके चलती है। ये तो ये ना, ये कोई भी बिल आती है ना, सबसे पहले कांग्रेस आती है कि नहीं इस चीज़ का विरोध होना चाहिए। कुछ भी आप सबसे बेस्ट चीज़ भी लेके आइए उसका भी विरोध करेंगे ये, कुछ भी XYZ। अगर नरेंद्र मोदी ये बोल दें कि भाई आपको 1 महीने में 24 दिन सांस लेना है, तो वो उस पर भी विरोध कर देंगे। ऐसे हैं वो, नरेंद्र मोदी ये बोलेंगे दिन में 3 गिलास पानी पीना चाहिए, तो वो उस पर भी विरोध कर देंगे, नहीं सिर्फ 1 ही गिलास पानी पीना चाहिए। मतलब उनका ऐसा है कि उनको सिर्फ विरोध चाहिए, वो सत्ता से बाहर है, और वो भगवान करे वो सत्ता से बाहर ही रहेंगे।